पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है और इसकी तैयारी समझने के लिए आपको टेरर कैंप पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। मुजफ्फराबाद से कोटली और नीलम घाटी से लेकर एलओसी पर एक एक कैंप की पूरी जानकारी इस वक्त हमारे पास मौजूद है और इसकी पूरी डिटेल सेना को भी दी जा चुकी है। देखिए, एलओसी और पीओके से इंटेलिजेंस से एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है। पाकिस्तान आतंकियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड एलओसी के आसपास तैयार कर दिए हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ये लॉन्च पैड एलओसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त ना लगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है कि पीओके के नकियाल कैंप में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर हमजा शामिल हुआ। इस मीटिंग में कोटली कैंप से लश्कर का कमांडर वलीद खान भी मौजूद था, साथ में एक और आतंकी रफीक नाई उर्फ सुल्तान भी शामिल हुआ। मीटिंग में तय हुआ कि कश्मीर के अंदर आत्मघाती हमले किए जाएंगे, जबकि एलओसी के आसपास फॉरवर्ड पोस्ट पर बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमले करेगी। इसके लिए उन्हें चीन से मिले नाइट विजन गॉगल्स भी दिए जाएंगे। आतंकवादियों के ये क्लस्टर मंचेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मंचेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, कड़ी हबीबुल्ला और पतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा, अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के पीछे उन्हीं आतंकियों का हाथ बताया गया है जो पुंछ में हुए हमले में शामिल थे। तब 5 सैनिकों की जान गई थी। आतंकियों के उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग में हुए हमले को अंजाम दिया है। रिपोर्ट है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है, यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसका ये ग्रुप 6 महीने से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, लेकिन नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। इसलिए अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी लेकर TRF सुरक्षा बलों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि बैनर चाहे TRF का हो लेकिन इस आतंकी ग्रुप में जैश, लश्कर और हिजबुल के ही आतंकी शामिल हैं। बस अब हमलों को नया चेहरा देने की कोशिश है। इन सब की ट्रेनिंग पीओके में ही चल रही है और अब ये अलग अलग रूट से LOC को लंग कर भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसे भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहां पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है। पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों को मदद चाहिए। उनको इस वक्त असलहे से लेकर बाकी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। नीलम घाटी और नीलम घाटी के आसपास ऐसा इलाका है जहां LOC पर भारत और पाकिस्तान की पोस्ट के बीच की दूरी कई जगह 100 मीटर भी नहीं रह जाती है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की फौज
एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखती है। कुपवाड़ा और बारामूला में एलओसी के पास ऐसे इलाके हैं जहां किशन गंगा नदी गुजरती है। इस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। यही नदी है जिसे पार करके आतंकवादी भारत में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स बराबर मिल रही हैं कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। पाकिस्तान अब आतंकवादियों को ऐसे कैंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जल्द ट्रांसफर किया जा सके। पीओके के हाजीरा में एक बड़ा आतंकी कैंप है और यहाँ पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है, इसलिए इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों की देखरेख में होती है। इसके अलावा वही नीलम घाटी के पास पीओके में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैंप एक्टिव है। न्यूज 18 को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नीलम वैली के आसपास जितने भी टेररिस्ट कैंप है वहां पे पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आतंकी लाए गए हैं। इन आतंकियों में कुछ को आत्मघाती हमला करने के लिए भी तैयार किया गया है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों के लिए बंकर बना रही है। इसमें अंडरग्राउंड बंकर भी है क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि शेलिंग के बाद अगर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो ये आतंकी सस्ती मौत न मारे जाएं। इसलिए लश्कर और जैश के बड़े कमांडरों की देखरेख में ये कैंप 2400 घंटे अलर्ट रहते हैं। लश्कर इन कैंपों में अल बर्क ग्रुप के नाम से काम कर रहा है जबकि जैश अल उमर मुजाहिदीन ग्रुप के नाम से एक्टिव है। अक्टूबर के बाद उत्तरी कश्मीर में बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी और फिर ज्यादातर इलाके बर्फ से ढक जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों के लिए घुसपैठ आसान नहीं होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को एलओसी के इस पार भेज दे। ये वो इलाका है जो दिसंबर से मई तक बर्फ से ढका रहता है, इसलिए पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो बर्फ गिरने से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करा दे। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है, तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवादी कई किलोमीटर पहाड़ों को पार करते हुए घुसपैठ करते हैं, नदियों और नालों के बीच से होते हुए जंगलों से गुजरते हुए वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इनकी लॉन्चिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होती है जहां बने हैं लॉन्चिंग पैड। यहां आतंकवादियों को पहुंचाने से पहले दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कह सकते हैं कि उनको दो आतंकवाद वाले कोर्स कराए जाते हैं। पहला कोर्स 3 महीने का है जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको AK-47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है। दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, जंगलों में जिंदा रहना और GPS और वायरलेस जैसी कई तरह की तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाकिस्तान के कमांडो दस्ते यानी कि SSG को इस वक्त एक बड़ा मिशन दिया गया है। मिशन है भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराना और घुसपैठ के वक्त आतंकियों को कवर फायर देना। इसके लिए बाकायदा बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को एक्टिव किया गया है। यही नहीं, बॉर्डर एक्शन टीम के लिए जो नए उन्नत हथियार और नाइट विजन डिवाइस मंगाए गए थे चीन से, वो भी इन आतंकियों को दिए गए हैं ताकि रात को घुसपैठ आसानी से की जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के SSG कमांडो ग्रुप को 2021 और 2022 में कई हमलों से पहले एक्टिव किया गया था। इस वक्त LOC पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैनात है, लिहाजा भारतीय सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है। लेकिन यहां जंगलों में घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहां न बाड़ लगाना आसान है न ही निगरानी। कई इलाके ऐसे हैं जहां निगरानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है। LOC के उस पार ये वही इलाके हैं जहां बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती हैं।
एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है। ये पुख्ता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान प्लान की पूरी रिपोर्ट है। उकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ISI के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लड़के कैसे भर्ती किए जाते हैं, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, ISI और लश्कर की मोडस ऑपरेंडाई क्या है, भर्ती के बाद लड़कों को कहां भेजा जाता है, कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कौन देता है, माइंड वॉश कैसे होता है और फिर हथियारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त आतंकियों को घुसपैठ के साथ जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं उसके लिए करीब 300 राइफल और बाकी छोटे हथियार ड्रोन के रास्ते पहुंचाए जाने की रिपोर्ट है। इस वक्त सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश लगातार जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, ताकि बर्फ पिघलने तक इतने आतंकी और हथियार घाटी में पहुंचा दिए जाए जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सकें।